हेलो एवरीवन, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का इस लेशन में हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है आपके प्लांट साइंस जीआरएफ और एसआरएफ के लिए, ठीक है, इंक्लूडेड नेट भी, ठीक है। ये तीनों में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट कवर किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से आपको ज़्यादा पढ़ना है और कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है अकॉर्डिंग टू 2020 आपके जीआरएफ एग्ज़ाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स में। जो प्लांट साइंस के कोर्स हैं जीआरएफ एसआरएफ नेट में, उसमें इंक्लूड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कह लो, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, जनरल एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं हूँ धनेंद्र कुमार, क्वालिफिकेशन बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एंड जीआरएफ क्वालिफाइड। सो हमारे टारगेट ऑडियंस है जीआरएफ प्लांट साइंस के एस्पिरेंट्स हैं, नेट प्लांट ब्रीडिंग, एसआरएफ प्लांट ब्रीडिंग, आईजीकेवी के सीईटी, बीएचयू, इस भारती, एमसीएआर, जीईटी एंड अदर यूनिवर्सिटी, ओके। तो इतने लोग के लिए ये सिलेबस हम बता रहे हैं। और सिलेबस में हमारे सबसे पहला है प्लांट जेनेटिक्स। तो प्लांट जेनेटिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो स्टार्टिंग से देखिएगा, नंबरिंग हम दे दिए हैं। नंबरिंग में आप देख सकते हैं पहला है दोस्तों पहला आपका सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन एंड साइटोजेनेटिक्स, ठीक है। सेकंड आपको पढ़ना है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के टाइप और जो स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम होते हैं उनके बारे में। फिर थर्ड आपको पढ़ना है क्रोमोसोमल एब्रीविएशन, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल चेंजेस जो आते हैं क्रोमोसोम में उनके बारे में, ठीक है। फिर आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ एंड उसके लॉ, ठीक है, जीन इंट्रैक्शन। फिफ्थ है सिक्स आपका लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, एंड सेवन सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज। एट आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, नाइन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एंड टेन है आपका मल्टीपल एलील्स, इलेवन आपका चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जितने भी चेंजिंग कॉन्सेप्ट होते हैं जीन के, स्यूडोजीन और स्प्लिट जीन वगैरह, और बारह है आपका म्यूटेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिटेक्शन, ठीक है। तो इतना आपका जेनेटिक में हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है प्लांट ब्रीडिंग का। तो प्लांट ब्रीडिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो प्लांट ब्रीडिंग में हम पढ़ेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं प्लांट ब्रीडिंग में आपको क्या करना है। पहला तो है ऑब्जेक्टिव रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सेकंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, थर्ड आपका क्रॉप जेनेटिक रिसोर्स, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एंड जीन बैंक, क्रॉप बायोडाइवर्सिटी, जर्म प्लाज्मा एंड कलेक्शन एंड एक्टिविटी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन, सिस्टम ऑफ मैटिंग, जितने भी मैटिंग के सिस्टम होते हैं उनको पढ़ना है, सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसी में देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग में और क्या है। सो दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग में फिर से आपका ब्रीडिंग मेथड है, फिर उसके बाद प्लांट इंट्रोडक्शन है, फिर सिलेक्शन के जितने मेथड है जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्रोजनी सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन या फिर रिकरेंट और नॉन रिकरेंट सिलेक्शन, इनके बारे में। देन पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, बैक क्रॉस ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, हेट्रोसिस ब्रीडिंग, ऑडियोटाइप ब्रीडिंग एंड सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी के बारे में, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के जितने टेक्निक होते हैं उनके बारे में, और ब्रीडिंग फॉर स्ट्रेस रेजिस्टेंस। अब स्ट्रेस रेजिस्टेंस में तीन तरीके से होते हैं, एक तो डिजीज रेजिस्टेंस, एक तो इंसेक्ट और एक तो इन्वायरमेंटल से जो ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये आपका ब्रीडिंग का आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो ब्रीडिंग और जेनेटिक के जो सिलेबस मैंने अभी बात किया, इनके बकायदा प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब जो सब्जेक्ट हम आगे कवर करने वाले हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। हम कवर करने वाले हैं मॉलिकुलर जेनेटिक, नेक्स्ट हम मॉलिकुलर जेनेटिक का डालेंगे, और जीआरएफ के सिलेबस में मॉलिकुलर जेनेटिक में क्या क्या आपको पढ़ना है पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो हमको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक एंड बायोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है। फिर सेकंड हिस्ट्री एंड ओरिजिन मॉलिकुलर बायोलॉजी या मॉलिकुलर जेनेटिक कह लो। थर्ड आपका फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन में स्प्लिट जीन, रेकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ये सब आपको पढ़ना है। जंपिंग जीन क्या होता है, इंसर्शन सीक्वेंस क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, ओवरलैपिंग जीन क्या होते हैं, स्यूडो जीन क्या होते हैं, ये सब, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड पढ़ना है आपको। फिफ्थ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन का मतलब जो हिस्ट्री डीएनए और आरएनए की हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है। सिक्स आपका प्रोटीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन के बारे में, जो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन सब इसी में आते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं मॉलिकुलर जेनेटिक में और क्या क्या पढ़ना है हमको।
तो दोस्तों हमको पढ़ना है द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, है ना। ये है अपना केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जिसमें हम एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। 8 है आपका डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। 9 है आपका टाइप एंड फॉर्म्स ऑफ डीएनए, जो ए बी सी और डी और जेड टाइप के डीएनए होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। 10 है आपका जीनोम, एंड 11 डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है और यूकैरियोटिक में कैसे होता है, ये आपको देखना है। आपका 12वां है डीएनए रिपेयर, और 13 है आपका आरएनए स्ट्रक्चर फंक्शन एंड टाइप, आरएनए के जितने भी स्ट्रक्चर फंक्शन और टाइप है वो पढ़ना है। आरएनए प्रोसेसिंग है, और इसी को आरएनए स्लाइसिंग भी कहते हैं, इसको पढ़ना है। और 15 है आपका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैसे होता है ये। और 16 है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, 17 आपका लाइकोपेरोन, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, ओके। नेक्स्ट अपन देखेंगे, सो फ्रेंड अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन, मेजर कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, फिर आपका वेक्टर एंड जीन क्लोनिंग, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, डीएनए मार्कर्स जो MAS बोला जाता है, मार्कर असिस्टेंट सेलेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड सोमा क्लोनल वेरिएशन, 7 टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, पॉलन मेरिस्टम एंड एंथर एंड एम्ब्रियो कल्चर आल्सो, ओके। नेक्स्ट पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, जिसको हम PCR कहते हैं। 9 डीएनए सीक्वेंसिंग, 10 रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, एंड 11 टोटिपोटेंसी एंड मॉर्फोजेनेसिस माइक्रो प्रोपोगेशन, 12 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बायोटेक्नोलॉजी के मेजर आपके मेजर कॉन्सेप्ट है जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट आप बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में सिंपल आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड फैटी एसिड, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, एंजाइम के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए क्या होता है इनके बारे में पढ़ना है। ये आपका सिंपल बायोकेमिस्ट्री पे है, बायोकेमिस्ट्री से उतना ज़्यादा नहीं आता, बट इतना आपको कवर करना है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको दिखने में छोटा लग रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जनरल एग्रीकल्चर में। तो जनरल एग्रीकल्चर में हमको प्लांट फिजियोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर का कुछ कुछ पोर्शन, और प्लांट पैथोलॉजी का ज़्यादा पोर्शन, और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये जनरल एग्रीकल्चर मतलब प्लांट साइंस के जनरल एग्रीकल्चर में ये सब आते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बताया जो जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग का जो कोर्स है, जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स मैंने आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट में दे दिया है। और हम बात करेंगे मॉलिकुलर जेनेटिक, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का कुछ कुछ जो टॉपिक है, मेजर जो आपको सिलेबस में अभी मैंने बताया उनका मैं वीडियो तैयार करने वाला हूँ। और अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है, या फिर वो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, नहीं जम रहा है, आपको समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, जो बार बार जो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट पूछते हैं हमको कि कौन से बुक को हम फॉलो करें प्लांट साइंस GRF के लिए, ठीक है। तो मैं इसी वीडियो में इंक्लूड उसको कर दिया हूँ, और आप देख लीजिए। बुक आपको फॉलो करना है BD सिंह की, जो बुक आती है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग की, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बुक आती है BD सिंह की, तो इसको याद रखिए, BD सिंह की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। सेकंड आप देखोगे फुंदन सिंह की बुक लोगे, जिसमें आपको सिर्फ इंग्लिश वर्जन में मिलेगा, और ये जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग दोनों के लिए मिलेगा, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश। और गणेश प्रसाद की एक बुक है जिसमें आपको सेल बायोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी के बारे में पता चलेगा। फिर वीर बाला रस्तोगी की बुक है जो बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी को कवर करता है। सीड टेक्नोलॉजी के लिए आपको हरपाल सिंह तोमर और BD सिंह की हिंदी में, दोनों हरपाल सिंह तोमर और BD सिंह की दोनों हिंदी में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं अमेजोन से। और सम ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें SR कंटावा आपका मेजर है, और फिर आप फुंदन सिंह के भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं इसके लिए। फिर आप सेल्फ नोट्स जो आप BSc एग्रीकल्चर में बनाए हो, फिर ऑनलाइन सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, जैसे NG रंगा या तनु का नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। मेरे वेबसाइट पे भी जाके आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं tanukaagri.com में। तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, आपको वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया तो, चैनल पर पहली बार आए हैं और इस सिलेबस को आपको पढ़ना है पूरा, तो स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो प्लांट साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी प्लांट साइंस का जो न्यू सिलेबस है वो अच्छे से पता चल सके। क्योंकि आपको सिलेबस डाउनलोड करोगे आप गूगल में तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, आपको लगेगा बहुत शॉर्ट सिलेबस है, बट मैंने आपको पूरा एक एक टॉपिक और एक एक पॉइंट को लिखवा दिया हूँ। आप वीडियो को फिर से देख कर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है, या कॉमेंट कर सकते हैं, मैं ये PPT आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। कॉमेंट करिए आपके कन्फ्यूजन टॉपिक को, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।